अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा राजा साइकिल चौराहे के पास बनी गुमटियों को तोड़ने के आदेश के बाद गुमटी संचालकों में नाराजगी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर जताया विरोध। अजमेर जिला कियोस्क गुमटी एसोसिएशन और डेयरी बूथ संगठन के सचिव कांति शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को राजा साइकिल चौराहे के पास बने गुमटी संचालकों के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया गया। कांति शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कचहरी रोड पर रेलवे की जमीन के बाहर बनी गुमटियों को तोड़ा गया था, जिसकी वजह बताई गई थी कि रेलवे ने अपनी जमीन लीज पर दी है, लेकिन अब राजा साइकिल चौराहे पर बनी गुमटियों को भी तोड़ने के आदेश का नोटिस जारी कर दिया गया है, तो प्रशासन अब यह बताए कि यह कौन सी जमीन है जो लीज पर दी जा रही है। दशकों से यहाँ छोटी छोटी गुमटियों में रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को सड़कों पर लाने का काम प्राधिकरण की आयुक्त के नित्या के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। पिछले दिनों संगठन के द्वारा गुमटियों के संचालकों के साथ जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के नाम ज्ञापन दिया गया था। उस वक्त जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई भी कार्रवाई अब अमल में नहीं लाई जाएगी। बावजूद इसके अब इन गुमटी संचालकों को फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। यह लोग अपनी गुमटियों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि एडीए प्रशासन बुलडोजर लेकर आता है और सामान सहित गुमटियों को नेस्ता नाबूद कर देता है। ऐसे में डरे सहमे लोग करें तो क्या करें। देखिए सर, शहर के अंदर पूरा तांडव चल रहा है पिछले एक महीने से। ये जो एडीए है ना, जो के नित्या है, जो यहाँ की जो प्राधिकरण की जो भी अपने आयुक्त है, कलेक्टर साहब के सामने बातचीत हुई थी अभी 10 दिन पहले, और कलेक्टर साहब को ये गुमराह करती है। न तो ये कोई नोटिस देती है, ना कोई ये बेचारे गुमटियों वालों को समय देती है, और उनके जो गुमटियों के अंदर जो उनका सामान है, चाहे मान लो कोई हेयर सैलून है, उसके अंदर उसने कोई गुमटी के अंदर अगर कांच लगा रखा है, फ्रीज रख रखा है, तो उसको बिना नोटिस दिए और बिना अकस्मात आके बुलडोजर लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई आप उसकी पीड़ा तो सुनिए, जबकि कलेक्टर साहब ने पहले ये कहा था, जब हम ज्ञापन देने गए, द्रौपदी कोहली जी भी गई इनके नेतृत्व करने, तो आप जब रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीन कैसे सकते हैं। और अगर आप लीज बढ़ाने का अधिकार आपको एडीए को है, तो आप लीज बढ़ाइए, लीज बढ़ा के आप राजस्व लीजिए, सरकार के खाते में पैसा डालिए। लेकिन यहाँ का एडीए ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ का एडीए केवल जाता है, बुलडोजर लगाता है और बिना नोटिस दिए बेचारों को 20-22 साल से जो रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार छीन रहा है। तो आपके इस माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, भजन लाल जी को हम साफ कह रहे हैं कि अजमेर का जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोल रहा है इन पीड़ितों के लिए। सरकार रोजगार दे नहीं सकती है तो सरकार रोजगार छीनने का हक नहीं रखती है। तो हम ये आपसे मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप जाबर सिंह खराज जी से गुहार लगा रहे हैं। कई बार उनको फोन किया है, अभी भी हमने उनको फोन किया है। ये कार्रवाई मनमानी से हो रही है प्राधिकरण के द्वारा, तो इसको रुकवाया जाए और इन गरीबों को या तो कहीं शिफ्ट किया जाए या इनकी पीड़ा को सुना जाए, इनको वैकल्पिक कहीं इनको स्थान दिया जाए। लगभग यह 25 गुमटियाँ हैं, ये देख लीजिए आप।